2023 इज अप्रोचिंग, उसके साथ साथ काल एक एग्जाम कैलेंडर भी आ गया जहां पे लिखा हुआ है कि एमटीएस का भी डेट आ गया 2024 का। तो अभी सारे एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी सीजीएल 2022 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए हो और मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो कर चुके हो या कर रहे हो, तो अपना पोस्ट, अपना रैंक, जो पोस्ट में सिलेक्टेड हुए अपना रैंक, अपना नाम और इस चैनल के बारे में क्या क्या आप बताना चाहते हो वो पूरा बता के मुझे टेलीग्राम में भेजो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो आप लोगों का एक अचीवर्स लिस्ट मैं निकालता हूँ, उसमें आप लोगों का नाम रहेगा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, सीजीएल 2023 इज कमिंग, जुलाई में होगा सेकेंड हाफ में और करीबन एक ही महीना के टाइम है। तो अभी बहुत लोग मैथ्स का रिविजन कर रहे हो, जीए का रिविजन कर रहे हो, रीजनिंग का रिविजन कर रहे हो, तो एक ही बात मैं बता देना चाहता हूँ, अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा तुम लोगों के लिए है बुक्स और मॉक टेस्ट सॉल्विंग, फिर आएगा स्ट्रेटिजाइजिंग। और बुक्स और मॉक टेस्ट सॉल्विंग के लिए अगर पहली बात करें तो मैं इस चैनल, इस पब्लिकेशन हाउस के बारे में बात करता ही रहता हूँ, एक और बार बता देता हूँ, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड बहुत ही कंप्रिहेंसिव करके ये लोग बुक निकाला हुआ है। CGL के लिए जो जो बुक्स है उसमें सब कुछ एकदम पैटर्न वाइज दिया हुआ है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये 4 बुक्स है और ये है साइज, ये है जनरल अवेयरनेस GA का, ये है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा मोटा है क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन वाइज दिया हुआ है, यहाँ पे है रीजनिंग और यहाँ पे है इंग्लिश लैंग्वेज। सारे बुक्स हिंदी में हैं एक्सेप्ट ऑब्वियसली द लैंग्वेज पार्ट छोड़ के, सारे बुक्स हिंदी में हैं, सॉल्यूशन हिंदी में है, किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम है तो इस बुक से तुम लोगों को आई एम वेरी श्योर हेल्प मिल ही जाएगा। एंड द लिंक्स ऑफ द बुक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट कमेंट। एग्जाम कार्ड में बताता रहे तो आप लोग एक बार खुद से एक बार खरीद के देख सकते हो, दिस विल बी ऑफ गुड डैम हेल्प आई कैन टेल यू। और MTS के लिए जो जो जाने वाले हो, बहुत ही छोटी बुक है, MTS का कुछ GA और CGL का जो GA है वो काफ़ी प्रीवियस ईयर्स के ऊपर ही बेस्ड होता है, तो प्रीवियस ईयर्स का GA पढ़ने के लिए लूसेंट वूसेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पूरा सिक्वेंशियली दिया हुआ है GA के बारे में, कब कौन से MTS एग्ज़ाम में आया था, कौन सी CGL एग्ज़ाम में आया था, सब कुछ दिया हुआ है। तो GA के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है ये एग्ज़ाम कार्ड का, और बाकी सारे के लिए आप खरीद के देखो, आई एम प्रिटी श्योर अगर ठीक से करोगे तो तुम लोगों को इस साल ही सिलेक्शन हो जाएगा एंड बाई द नेक्स्ट ईयर दिस टाइम यू विल बी इन अ जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, अर्निंग अ हैंडसम सैलरी। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में है, ज़रूर जाओ चेक करके आओ। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है मॉक टेस्ट सॉल्विंग, बहुत लोग अभी मैं देख रहे हो जो कैंडिडेट्स है वो सिंपल सम्स जो है मेरे पास, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अगर कोई भी कोलकाता में रहते हो और CGL 2023 के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हो, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है, अगर पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हो तो यू कैन कम। दो लोग मेरे पास पढ़ते हैं और मुझे ये लगता है कि सारे लोग वो जो अभी टेलीग्राम यूट्यूब सब चैनल देख के सिंपल सम्स को कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो गया, अलजेब्रा जो सबसे ज़्यादा सिंपली किया हुआ जाता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हाँ, SICI जो है आप थोड़ा अगर दूसरा मेथड देख सकते हो, टाइम एंड वर्क का दूसरा मेथड देख सकते हो तो देख लो, लेकिन सम्स को फार्दर मोर कॉम्प्लिकेट मत करना, क्योंकि कॉम्प्लिकेट अगर करोगे तो खुद के लिए ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कीप एवरीथिंग सिंपल, कैसे रखोगे क्या नहीं रखोगे ये धीरे धीरे, इतना सारे बुक्स है करते रहो तुम्हें पता चल जाएगा, अगर फिर भी ना हो तो अगर कोचिंग लेना चाहते हो तो है नंबर। और पता था मैं सब कुछ सिंपल करने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ साइन थीटा कॉस थीटा में लेके आने वाला हूँ, मतलब कोई भी अगर आइडेंटिटीज रहे तो मैं वो एकदम ब्रेक करके साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा वेन थीटा सब कुछ, तो ऐसा करके मैं करता रहता था, मुझे बहुत अच्छा सक्सेस मिला है ऑब्वियसली, इसीलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ बहुत लोग तुम में से, आप में से यहाँ पे आओ और बताओ अपना सक्सेस स्टोरी, इसीलिए क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट कभी मत करना, सिंपल करना, मॉक टेस्ट सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर्स एक्चुअली 2012 या 13 से पहले उतना ज़्यादा टफ कुछ नहीं होता था एग्ज़ाम, तो अगर 12-13 से अपना जो वीकनेसेस है उस पर काम करोगे और करते रहोगे तो आई एम वेरी श्योर मॉक टेस्ट सॉल्व विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। टाइम लेके करो,
ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बैठ गए एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, ऐसा ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको जीए पढ़ना पड़ेगा सुबह में, फिर रीजनिंग एक सेट देना पड़ेगा, फिर इंग्लिश का फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स ये सब पढ़ना पड़ेगा, और मैथ्स का मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। ये चारों में आपको अच्छा होना पड़ेगा। रिमेंबर टायर वन इज़ नॉट द ओनली गोल, टायर टू में अच्छा मार्क्स लेके जॉब सिलेक्शन इज द गोल। और अभी MTA, CHSL सब में टायर टू आ गया है, सो देयर इज नो चांस टू एस्केप। और लास्ट में आ जाता है स्ट्रेटेजाइज। स्ट्रेटेजाइज का मतलब क्या है, कौन सी चैप्टर का सम तुम नहीं करोगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में कंपाउंड एंगल का जो सम रहता है, जैसे साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या है, ऐसा टाइप का सम CGL में बहुत कम आता है। MTS में तो छोड़ ही देता हूँ, CGL में बहुत कम आता है। अगर आपका बेसिक का कंप्लीट हो चुका है एंड यू नो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, तभी आप कंपाउंड एंगल में आओ, वरना ज़्यादा उसके लिए टाइम वेस्ट करने के, टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये कंपाउंड एंगल का सम उतना ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम में। तो स्ट्रेटेजाइज का मतलब यही होता है कि आप देख के पढ़ो कौन सा आप अटेम्प्ट करोगे और राइट होना चाहिए, और कौन सा आप छोड़ भी सकते हो, तब भी आपको उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ये तीन पॉइंट ज़रूर याद रखो, बुक्स, मॉक टेस्ट सॉल्विंग ऑनलाइन ऑब्वियसली, एंड स्ट्रेटेजाइज। CGL और MTS के रिगार्डिंग जो बुक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है। कोई और डाउट्स है रिगार्डिंग द एग्ज़ाम क्लैरिफिकेशन, कोई और डाउट्स है तो नीचे इंस्टा, टेली, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, ज़रूर वहाँ पर जाके मैसेज करो। इंस्टाग्राम में मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आई विल गिव यू द रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि टाइम बहुत मुश्किल चल रहा है अभी, मतलब टाइम मिल नहीं रहा है अभी। और अगर किसी को पर्सनल कोचिंग चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन, इस जो नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे नंबर है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई और डाउट्स है तो नीचे कॉमेंट में बताओ। ये वीडियो, ये चैनल मैं तुम लोगों के लिए स्टार्ट किया हूँ, तो अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई जॉइनिंग रिलेटेड, कोई एग्जाम रिलेटेड, कोई सॉल्यूशन रिलेटेड, कोई मैथ रिलेटेड, कोई इंग्लिश प्रॉब्लम रिलेटेड, सब कुछ कमेंट में बताओ। दिस इज प्रत्यय, ठीक से प्रिपेयर करते रहो। मैं एक और वीडियो, एक दो और वीडियो लाऊंगा बिफोर CGL ऑब्वियसली, क्योंकि एक महीना अभी है, तो लास्ट मिनट टिप्स सब कुछ के लिए लाऊंगा। अंटिल देन कीप ऑन प्रिपेयरिंग। CHSL का भी फॉर्म आउट हो गया, आई होप यू हैव फिल्ड अप द फॉर्म। देते रहो, इस साल तुम्हें जॉब मिल नहीं वाला है। This is Pratyay. See in the next video. Until then, keep following and liking and loving. Made for SSC YouTube channel. Video अच्छा लगे तो like करना मत भूलना, और channel को जरूर subscribe करना. See in the next video. में bye guys. Sorry. This is Pratyay. See in the next video. में guys. Until then, Tata goodbye. All the very best.